केजरीवाल से कम नहीं जंतर मंतर वाले पहलवान बबीता पोगाट, पीटी उषा और अब योगेश्वर दत्त, जिनके भी सुर हुए अलग, उनके मेडल खोटे। दिनेश पोगाट के फिर बिगड़े बोल, योगेश्वर दत्त पर किया भद्दा कमेंट। जो करता है पहलवानों की विचारधारा से अलग बात, उसको बताती है ब्रिजभूषण का आदमी। एक एक करके हर बार हो रही है विनेश पोगाट एक्सपोज। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना देने वाली विनेश पोगाट ने अब ओलंपियन योगेश्वर दत्त पर हमला बोल दिया है। विनेश आलोचना तो करती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा भूल जाती है। भाजपा सांसद के बाद योगेश्वर के मामले में यह देखने को मिल रहा है। अब दूसरे शब्दों में कहें तो ये पहलवान कुश्ती की अरविंद केजरीवाल साबित हो रही हैं। जंतर मंतर पर अपनी मनमाफी बात मनवाने के लिए धरना देने वाली पहलवानों ने जाट खाप पंचायतों से लेकर किसानों तक का सहयोग लिया। हालांकि उन्होंने पूरे मामले में जिनसे भी बात की उनके ऊपर ये लोग कीचड़ उछालने लगे। विनेश पोगाट ने दिल्ली पुलिस, IOA, भारतीय ओलंपिक संघ के बाद अब योगेश्वर दत्त पर भी यही कीचड़ उछालना शुरू कर दिया है। दरअसल IOA की कमेटी ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले 6 पहलवानों विनेश पोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता पोगाट, सत्यव्रत कादियान, जितेंद्र सिन्हा को ट्रायल में छूट दी है। इन पहलवानों को एशियन और ओलंपिक दोनों चैंपियनशिप में भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए सिर्फ ट्रायल के विजेताओं को हराने की जरूरत होगी। इसी को लेकर योगेश्वर दत्त ने सवाल उठाया। दत्त ने इसे कुश्ती के लिए काला दिन बताते हुए कहा कि सिर्फ यही 6 पहलवानों को ट्रायल में छूट देना मेरे समझ से बाहर है। बिना नियम देखे और बिना क्राइटेरिया बनाए लिया गया ये फैसला गलत है। तो जितने भी पहलवान लड़कियां हैं अपनी आवाज जरूर उठाएं। उन्होंने आगे कहा, मैं ये नहीं कहता कि धरना कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, लेकिन अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से उठाइए। आप प्रधानमंत्री को पत्र लिखिए, गृह मंत्री को पत्र लिखिए, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी को पत्र लिखिए, IOA को पत्र लिखिए। पर इस पर प्लेटवार करते हुए विनेश ने लिखा, योगेश्वर दत्त का वीडियो सुना, उनकी वो घटिया हंसी दिमाग में अटक गई। वह महिला पहलवानों के लिए बनी दोनों कमेटियों का हिस्सा था। जब कमेटियों के सामने महिला पहलवान अपनी आपबीती बताती थी तो वो घटिया तरह से हंसने लगता। जब दो पहलवान पानी पीने के लिए बाहर आई तो वो बाहर आकर उनसे कहने लगा, कुछ ना होगा ब्रिजभूषण का, जाके अपनी प्रैक्टिस कर ले। उन्होंने आगे लिखा, एक दूसरी पहलवान को बड़े भद्दे तरीके से बोला कि ये सब तो चलता रहता है, इसको इतना बड़ा इशू मत बनाओ, कुछ चाहिए तो बताओ। कमेटी की बैठक के बाद योगेश्वर ने महिला पहलवान के नाम पर ब्रिजभूषण और मीडिया को लिंक दिया। उसने कई महिला पहलवानों के घर फोन करके यह भी कहा कि अपनी लड़की को समझा लो। वह पहले भी सरेआम पहलवानों के खिलाफ बयानबाजी दे रहा था, उसके बावजूद उसे दोनों कमेटियों में रखा गया। दरअसल ये पहलवान उन सबको निशाना बना रहे हैं जो उनसे अलग राय रखता है। ये पहलवान उन्हें ब्रिजभूषण सिंह का आदमी बताकर तुरंत अपराधी घोषित कर देते हैं। ये वही पहलवान है जिन्होंने धरना दिया, FIR करवाई और ब्रिजभूषण सिंह को कुश्ती संघ के पद से हटाने की तक मांग कर दी। उस वक्त उन लोगों का कहना साफ था कि वे एशियन या ओलंपिक चैंपियनशिप के लिए ट्रायल नहीं देंगे, यही उनका प्रमुख मांग था। इसका वीडियो भी सामने आया था। इन पहलवानों का साफ मानना है कि उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। जो उनसे सवाल पूछेगा वो उनको विरोधी कहेंगे, चाहे वो सरकार हो या फिर खिलाड़ी। इन पहलवानों ने एक बार तो यहाँ तक आरोप लगा दिया था कि खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाव कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जब दिल्ली पुलिस ने FIR की तो इन पहलवानों ने साफ कर दिया कि उन्हें दिल्ली पुलिस पर विश्वास नहीं है। पहलवान साक्षी मलिक ने यहां तक कह दिया कि जांच में पहलवान दिल्ली पुलिस को सहयोग नहीं करेंगे, ना ही इस मामले में अपना बयान दर्ज कराएंगे। साक्षी ने कहा, हम अपना बयान सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराएंगे। उनको यानी ब्रिजभूषण शरण सिंह को जेल में डालने और सभी पदों से हटाने के बाद ही मेरा प्रदर्शन खत्म होगा। इस तरह विनेश पोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे पहलवानों ने अपनी साथी खिलाड़ियों से लेकर IOA की प्रमुख को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि उन लोगों का बयान इन पहलवानों को पसंद नहीं आया। वहीं दिल्ली पुलिस और केंद्रीय मंत्री को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने ब्रिजभूषण को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की थी, जिस पर बिना आंख मूंदे अमल नहीं हुआ। इन तमाम कहानियों के बाद आखिरकार IOA की द्वारा गठित कमेटी वो सारे मांग मान ली
जिसको लेकर पहलवानों ने आरोप लगाया और अपने साथियों तक को निशाना बनाया। इसलिए सोशल मीडिया पर इन पहलवानों को रंग बदलने में सीएम केजरीवाल से भी दो कदम आगे बताया जा रहा है।